सलाम नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, शेरू बाबा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ श्रीनगर, कश्मीर में, और अभी इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर -7 डिग्री है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी मैं आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और गुलमर्ग के खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लीजिएगा। वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हुई है, सुना है कि 4 फीट तक वहाँ पर स्नोफॉल हुई है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय करिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, शेरू बाबा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कश्मीर यात्रा कैसे करनी है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कश्मीर यात्रा की वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, आज वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कश्मीर श्रीनगर कैसे पहुँचना है, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, आप बाय ट्रेन कैसे पहुँच सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय फ्लाइट है तो फ्लाइट से कैसे पहुँच सकते हैं, कश्मीर में हमको कब आना चाहिए, कौन सा समय पर आना चाहिए, हमें किस वक्त यहाँ पर भारी स्नोफॉल मिलेगी, और हम कश्मीर के अंदर स्नो एक्टिविटी कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। श्रीनगर में हमें होटल्स कहाँ मिलेगी, और हम अपनी पर्सनल कार ला सकते हैं या हम लोकल ट्रांसपोर्ट से भी कश्मीर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं यह भी बताऊंगा कि कश्मीर यात्रा को करने के लिए एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी आप अगर कश्मीर जाओगे तो आपके लिए वहाँ पर घूमना फिरना ईजी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले कश्मीर के श्रीनगर कैसे पहुँचना है ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो ट्रेन है, जिसके लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन श्रीनगर रेलवे स्टेशन है, जहां सिर्फ और सिर्फ लोकल ट्रेन से आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी ट्रेन श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे नहीं आती, श्रीनगर में आपको सिर्फ लोकल ट्रेन ही मिलती है। आप आ सकते हैं यहाँ सबसे पहले जम्मू तावी रेलवे स्टेशन, जो कि हम अपने देश के कोई स्टेट से जम्मू डायरेक्टली आ सकते हैं। जम्मू से हमें आना है बनिहाल तक बाय रोड, जिसका डिस्टेंस होगा लगभग 4 घंटे। उसके बाद आप बनिहाल से लोकल ट्रेन लेकर पहुंच सकते हैं श्रीनगर। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि आप बाय ट्रेन कैसे पहुंच सकते हैं श्रीनगर। अदरवाइज़ जम्मू से भी कुछ लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं, जो कि जम्मू तावी से आप डायरेक्टली श्रीनगर जाएंगे तो लगभग आपका मान लीजिए 8 से 9 घंटे का सफ़र होगा, जो कि 256 किलोमीटर पड़ जाता है। तो बनिहाल से होते हुए श्रीनगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहां का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, वो है यहां का श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डायरेक्ट फ्लाइट का ऑप्शन ज़्यादा तो नहीं है हमारे देश में, बट ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे तो जम्मू तावी तक भी डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू में भी आपको एयरपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। पुणे मुंबई तक आपको डायरेक्टली जम्मू के लिए फ्लाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अब हमको श्रीनगर में होटल लेना है। तो यहाँ पर हमें कई सारी होटल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ हाउस बोट में भी रह सकते हैं, जिसका चार्ज 1200 से 1500 रुपया होता है। तो दोस्तों, पहला दिन तो आपका यहाँ तक ट्रैवलिंग करने में ही गुजर जाएगा। आप थक चुके होंगे, और सर्दियों में श्रीनगर में शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो मेरा ये सजेशन है कि पहले दिन आप अपनी होटल में जाइए और पूरी तरीके से रेस्ट कीजिए। पहली रात आप अपनी तरीके से गुजार दीजिए, तो कुल मिलाकर आपका पहला दिन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन जल्दी सुबह आप गुलमर्ग जा सकते हैं, जो कि श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं।
लोकल ट्रांसपोर्ट से जाने का एडवांटेज ये है कि गुलमर्ग ऊंचाई पे है, वहाँ रोड पे ब्लैक आइस होती है जिसपे अगर हमें एक्सपीरियंस ना हो तो कार हमारी स्लिप हो सकती है। तो वहाँ एक ऑप्शन ये होता है कि आप अपने कार के व्हील में चेन बांध के ड्राइव कर सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आप अपनी कार के व्हील से थोड़ी सी हवा निकाल लीजिए जिससे रोड पर आपके कार के व्हील की पकड़ बहुत मजबूत होगी। और एक बात का ध्यान रखें, एक्साइटमेंट में रफ ड्राइविंग ना करें। दोस्तों, गुलमर्ग में किसी भी तरीके का कोई स्टे आपको नहीं लेना है क्योंकि आपको होटल तनमर के पास मिलेगी। वहाँ पर होटल्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप वहाँ होटल ना लें। चलिए मैं बताता हूँ कि गुलमर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और आपको स्नो सूट भी कहाँ से लेना है। और अगर आपको गंडोला में ट्रैवल करना है, गंडोला राइड इंजॉय करना है, तो आप टिकट वहाँ पर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुक करने का एडवांटेज ये है कि आपको वहाँ पर बड़ी सी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। टिकट के लिए आप ऑनलाइन बुक करिए और डायरेक्ट जाके गंडोला राइड ले सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी गुलमर्ग जाओ तो सबसे पहला आप एक काम करिए, आप जो अपना पर्सनल शूज़ वहाँ पर पहन के जाते हो वो वहाँ पर रख के आप रेंट पे वहाँ पर बूट्स ले सकते हैं। वो जो बूट्स होते हैं वो रबर बूट्स होते हैं जिसकी कॉस्टिंग होती है फुल डे का 150 रुपीज़। आप 150 रुपीज़ उन्हें पे करिए, वो आपको एक बूट दे देंगे। वो बूट पहनने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर स्लिप नहीं होगे, नहीं तो आप दिन भर वहाँ पर गिरते पड़ते रहोगे और आपका सारा ट्रिप बेकार हो जाएगा। दोस्तों, गुलमर्ग में दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, जिसको हम फेज 1 फेज 2 कहते हैं। अगर आप फेज 1 पे गंडोला से जाते हो तो आपको कॉस्टिंग पड़ेगा 750 रुपीज़ पर पर्सन। एक गंडोला में 6 लोगों को बिठाते हैं तो आपको वो गंडोला ले जाता है फेज 1 पे, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको फेज 1 में ही स्नोफॉल देखने मिल जाती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, वहाँ पर कभी भी मौसम किसी भी वक्त चेंज हो जाता है। एक सेकंड में कुछ रहता है, दूसरे सेकंड में अचानक से भारी बर्फबारी हो जाती है, तो आप लोग ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप फेज 1 से फेज 2 जाना चाहते हैं, अगर आप खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों का नज़ारा देखना चाहते हैं, तो आप फेज 1 से फेज 2 जा सकते हैं। उसका कुल किराया होता है 950 रुपये। तो पहले आप गुलमर्ग पहुँच के फेज 1 जाते हैं तो आप 750 रुपीज़ भरते हैं, और अगर आप फेज 2 जाते हैं तो वहाँ पर 950 रुपीज़ भरते हैं, जिससे आप गंडोला आपको 12 से 15 मिनट में फेज 2 पे ले जाती है, जहाँ पर आप खूबसूरत हिमालय पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर हमेशा काफ़ी स्नोफॉल रहती है, तो वहाँ पर आप जल्द से जल्द जाइए और जल्द से जल्द घूम फिर के वापस रिटर्न आ जाइए, ठीक है? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि वहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है, तो जितना जल्दी हो सके शाम होने से पहले आप गुलमर्ग से बाहर आ जाइए और अपने होटल तक आराम से पहुँच जाइए, तो आपका सेकेंड डे भी बहुत खुशी से, बहुत आराम से, अच्छे से बीत जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, शायद वो आपके किसी काम आ जाए। तो दोस्तों, अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि आप फ्यूचर में भी मेरे ऐसे कई सारे वीडियो को इन्जॉय कर पाओगे।